हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजपूत को लेकर लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो हर दिशा में जा रही लगातार, लेकिन क्या वो एक ऐसी जगह सिमट पाएगी जहां हमें पता चल पाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की वजह क्या है? वो आत्महत्या है या फिर मर्डर है? बॉलीवुड में बवाल इसे लेकर मचा हुआ है। सुशांत के समर्थक मांग कर रहे हैं कि बॉलीवुड को मुंबई से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, और इसी मांग के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा दांव खेल देते हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से फिल्म सिटी का प्रस्ताव जल्द से जल्द पेश करने को कहा है। योगी ने कहा है कि यूपी सरकार देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी यूपी में बनाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथवा यमुना एक्सप्रेसवे में एक बढ़िया नई फिल्म सिटी बनाई जाए। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म के एक्टर्स हैं, उनको जल्दी बुलाया जाए। तो बहुत जल्दी ही ऐसे एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या होगा कि मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर्स यहां का रुख करेंगे। पहली बड़ी वजह है कि हिंदी फिल्म सिनेमा की ज्यादातर फिल्में यूपी के माहौल पर ही बनती है, उनके लिए आसानी हो जाएगी। यूपी में एक्टिंग करने वाले लोगों से लेकर प्रशिक्षित टेक्नीशियंस की संख्या मौजूद है, जो प्रोड्यूसर्स को मुंबई के मुकाबले कम लागत में उपलब्ध होगी। यूपी में फिल्म बनाने वालों को यूपी सरकार की तमाम प्रोत्साहन योजनाएं पहले से ही चल रही है, उनका भी फायदा प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। इसके अलावा यूपी में ऐसी तमाम लोकेशंस मौजूद हैं जहां पर फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है। इनमें आगरा, इलाहाबाद, बुंदेलखंड, लखनऊ, मिर्जापुर, सारनाथ, सोनभद्र, वाराणसी, वृंदावन जैसे तमाम ऐतिहासिक और मनोरम स्थान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा अथॉरिटी में एक बड़े स्तर की फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है, और ये समाचार पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। यूपी में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद काम करती है, जिसमें हर साल 100 के करीब फिल्में बनती भी हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है, समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे। इनमें कई चर्चित फिल्में भी शामिल हैं। फिल्म निर्देशक विनोद काबड़ी की मिस टनकपुर हाजिर हो ऐसी ही एक चर्चित फिल्म थी। दर्दी की जात में कुछ है ही ना, कैसे किसी का रेप किया है? देखो, दवा लगाने के लिए भी अगर भैंस को हाथ लगाओ तो बिदकती है। ये देखो, ये कैसे संभव है? जिसके घर में खुद की 3-3 भैंसे हों, उसे ऐसी क्या कुरेद मचेगी? ये कोई साधारण भैंस नहीं थी। इसके अलावा मसान, बुलेट राजा, जॉली LLB 2 जैसी फिल्मों ने तो पूरे देश में अच्छी प्रसिद्धि पाई। हालांकि विपक्ष सरकार के इस कदम को जुमला ही बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला सामने आया है। अब जब 4 साल की सरकार हो रही है तो इनको फिल्म पॉलिसी और फिल्म सिटी याद आ रही है। अभिषेक मिश्रा अखिलेश सरकार में मंत्री थे, उनके कार्यकाल में इस तरह की फिल्म सिटी बनाने की कार्य योजना बनी थी, लेकिन ये योजना कागजों पर ही रह गई। ऐसा नहीं है कि यूपी में पहली बार फिल्म सिटी बनाने की घोषणा हुई है। अखिलेश यादव ने भी सीएम रहते हुए फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी और कहा था कि लखनऊ और कानपुर के बीच में, उन्नाव जिले में और आगरा एक्सप्रेसवे पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसको लेकर MOU भी साइन हुआ, लेकिन कागज पर ही सब कुछ रहा और फिल्म सिटी नहीं बन पाई। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की ये घोषणा कहाँ तक पहुँचती है और क्या वाकई में देश को एक नई फिल्म इंडस्ट्री मिलेगी, एक नई फिल्म सिटी मिलेगी जो कि यूपी में होगी और सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत होगी।